सच में हम इसके साथ हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले गोमती नगर के समतामूलक चौराहे पे जो कश्मीरी है ठंड के मौसम में लखनऊ आते हैं ड्राई फ्रूट बेचने, जिनसे यहाँ की रोड की राहगीर जो जनता निकलती है वो रुक करके इनसे सामान लेती है। ये कई सालों से कई वर्षों से यहाँ पे लखनऊ में आकर के अपना एक व्यापार करते हैं, क्योंकि कश्मीर के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से लखनऊ में आकर के अपने ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे बेचते हैं, जिनसे उनका जीवन चलता है और उनका परिवार भी चलता है इसी ड्राई फ्रूट बेचने से। लेकिन आज कुछ ऐसा देखने को मिला कि आज नगर निगम की जो परिवर्तन की टीम है 296 की, जो लोग थे वो आ करके आज इनका जो सामान रखा हुआ था, जिस तरह से ये देखिए, ये रोड से ऊपर यहाँ पे खड़े होकर के सामान बेचते हैं ये, और उसके बाद यहाँ पर नगर निगम की टीम आई, वो दस्ता आया, उस दस्ते ने इनके सामान को रख लिया, अपनी गाड़ी में सामान को जब्त कर लिया, ऐसा आरोप लगाया है जो कश्मीरी कश्मीर से आकर के यहाँ पे एक व्यापार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे सामान भी छीना और मुझसे बहुत ज़्यादा अभद्रता भी करी, शब्दों का प्रयोग भी किया। सभी लोग जोन 4 के मुख्यालय पहुँचे हैं और अपने सामान को छुड़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी एक गुहार लगाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि हम लोग आखिर ठंड के मौसम में कश्मीर से आते हैं तो हमें यहाँ पे हमें व्यापार करने दिया जाए, आखिर हमारे सामान पर रोक क्यों। क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम है। क्या हुआ था आज आप लोग का जो सामान वामान बेचते थे आप लोग पुल के ऊपर, उसको नगर निगम ने कब्जा कर उसको उठा लिया है? देखिए सर, क्या है कि आप लोग सब जानते हैं कि पूरे लखनऊ जानते हैं कि यहाँ कश्मीरी लोग हर साल आते हैं, ड्राई फ्रूट बेचते हैं यहाँ। सर सर्दी के मौसम में आते हैं, ड्राई फ्रूट बेचते हैं। क्या है कि हम 2-3 महीने यहाँ कटाते हैं, ज़्यादा पूरे साल नहीं लगाते सर। पर क्या है कि यहाँ जो नगर निगम है वो आते हैं, हमारा सामान उठाते हैं, गाड़ी में उठाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, फेंक देते हैं। सर हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, पिछले साल भी आप जानते हैं पुल पे सर हमारा बहुत नुकसान हो गया। तो मतलब सर इतना सामान 4-5 लाख का सामान हमारे पास आता है, वो भी व्यापारी का आता है, उधारी लेके आते हैं सर, लेकिन उसका नुकसान करते हैं ये लोग उठा उठा के गाड़ी में। फिर यहाँ पता नहीं सर, यहाँ आधा उसमें सामान होता है, आधा फेंक देते हैं, आधा खा जाते हैं सर कुछ। तो हम ये रोज़ आते बोलते हैं यहाँ मत लगाओ, लेकिन सर पहले उठाते बोलते थे यहाँ मत लगाओ, यहाँ लगा माना, लेकिन आज पता नहीं चला ये अचानक आ गए गाड़ी लेके ये सब लोग। सर उन्होंने हमारा सारा सामान उठाया और वो सारा सामान अपने साथ ले लिया। अब हमें यहीं ऑफिस बुलाया सर, तो हम सुबह से यहीं खड़े हैं। कितने बजे से यहाँ आप लोग आए हैं? हम 11 के आसपास ही सर आ गए हम यहाँ पे, तो अभी यहीं पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई कुछ सुनता नहीं है सर। बोलते हैं अभी ऑफिसर आएगा, अभी वो आएगा, अधिकारी आएगा, कोई आएगा, लेकिन कोई हमारे बात पे ध्यान ही नहीं देता है सर, कोई तवज्जो नहीं देता है यार। सुबह से खड़े हैं हम यहाँ, कोई सुनता नहीं है हमारा सर। बस सर हमारा यही गुजारिश है कि हमारा सामान वापस कर दिया जाए और हमें लगाने दीजिए। हम भी इतने दूर से परदेश लोग हैं, हम कहाँ जाए, आप ही बताइए सर, हम इतने दूर से हम कहाँ जाए, गरीब लोग हैं सर, 10 पैसे कमाने आए हैं, इतने दूर परिवार छोड़ के सर, हमारे बाल बच्चे भी है सर घर में, तो सर हमें लगाने दीजिए। और सर हमारा गुजारिश यही है, हमारा रिक्वेस्ट यही है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से यही गुजारिश है कि सर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारा सामान यहाँ पे लगाने दीजिए, ड्राई फ्रूट जो है जो भी है कुछ, हम सब आए हैं, हमें लगाने दीजिए। जिस तरह से नगर निगम ने ये बताया है कि वो अतिक्रमण था, रोड के ऊपर लगा करके सामान बेच रहे थे जिससे यातायात बाधित हो रहा था, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, इस पुल पे वो किनारे अपना सामान बेच रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर अंबेडकर पार्क के बाहर जिस तरह से सामान बिक रहा है, ठेले लग रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, रास्ते जाम हो रहे हैं, वो भी VIP रोड है, आ जाते हैं अम्बेडकर पार्क से लेकर के जो वहाँ पे पुल है ताज होटल तक के, वहाँ पर रोड पर ठेले लगे हुए हैं। आखिर वो जो ठेले लगे हुए हैं उनका ये कहना है कि मैं 400 रुपये प्रतिमाह देता हूँ, आखिर क्या इसमें क्या उठाने की वजह सामने आई है? जिस तरह से नगर निगम दस्ता जो है उसने कहा है कि रोड पर अतिक्रमण हुआ था, अगर उस रोड पे अतिक्रमण हो रहा था, आज भी सालों से वहाँ पर ठेले बाहर लगे हैं जिससे 400 रुपये लिए जा रहे हैं, क्या इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इनको अपना एक वेंडिंग जोन में इनको दे करके जहाँ पे अपना व्यापार कर सकें?
ये भी हो सकता है, लेकिन आपको दिखाएंगे सामने वाली जो रोड है पुल के उस पार, जहाँ पे आगे समता मूलक चौराहे पे रात भर जो ठेले लगे हैं सिगरेट चाय के, वो रात भर चलते हैं और अभी से लगना स्टार्ट हो जाते हैं, देर रात तक के चलते हैं। आखिर नगर निगम उनको उठाने में नाकाम क्यों है? अब देखने वाली बात ये होगी 4 PM की स्क्रीन पर खबर चलने के बाद, क्या कश्मीरी अपना यहाँ व्यापार कर पाएंगे या नगर निगम का दफ्तर इनको फिर से उठाएगा, देखने वाली बात होगी। लखनऊ से 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट। We'll be right back.